सोनेगांव पुलिस स्टेशन अंतर्गत निवासी एक 62 वर्षीय वृद्ध महिला को यूकी से सामान आने की बात कहते हुए नकली महिला कस्टम अधिकारी द्वारा करीब 22,95,000 रुपए से ठग जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने नकली महिला कस्टम अधिकारी समेत दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सोनेगांव परिसर के मेयर कॉलोनी वर्धा रोड निवासी फिरियादी मंगला फूसे को आरोपी एलेक्सो ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। फ्रेंड रिक्वेस्ट को फिरियादी ने एक्सेप्ट किया। दोनों के बीच फेसबुक पर बातचीत हुई। फिरियादी को व्हाट्सएप नंबर दिया। आरोपी ने बताया कि वह यूके में रहता है और वह सर्जरी का काम करता है। उसने बताया कि वह अपनी माँ के साथ भारत में आ रहा है। व्हाट्सएप पर फिरियादी को जानकारी दी कि वह उसे गोल्ड डायमंड ज्वेलरी मेडिसिन इस तरह कुल 6,18,000 रुपए की सामग्री भेज रहा है। उसने फिरियादी का विश्वास संपादन किया और माल को छुड़ाने का आग्रह किया। इस बीच एक नम्रता शर्मा नामक महिला का फोन आया और उसने बताया कि वह कस्टम विभाग अधिकारी से बोल रही है। उनके नाम एक पार्सल आया है। कस्टम ड्यूटी के लिए आपको 37,000 रुपए जमा करने होगी। यदि राशि नहीं जमा की तो 50,000 रुपए पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। कल हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन सोनेगांव में तकरारदार आए थे मंगला उसे नाम से 62 ईयर्स ओल्ड है। तो उनको एक फेसबुक से लिंक आई थी, फ्रेंडशिप किया और उसके बाद में उनको कहा गया कि आपको व्हाट्सएप कॉल का नंबर लिया और उनसे संपर्क करके उनको बताया गया कि हम विदेश से है और आपको जब इंडिया में आएंगे तो आपको बड़ी रकम दे देंगे 61,00,000 रुपए के वगैरह। तो उनसे बातों बातों में ये करके उन्होंने कुछ उनको से गिफ्ट इसकी मांग की देने की और उसको गिफ्ट का पार्सल भेजा है ऐसा कहकर उनसे उन्होंने 22,95,000 रुपये का उन्होंने फ्रॉड किया है। तो इसका ऐसी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दर्ज हो गई है। तो उसका तभी तपास शुरू है। ऑनलाइन फ्रॉड से जो तकरारी आती है उनको कहना है कि जब ऐसे अननोन जो लिंक है या कुछ ऐसे अननोन फ़ोन नंबर से अगर उनसे कुछ कॉल आता है तो उनसे संपर्क ना करें या अपने कोई डिटेल शेयर ना करें, क्योंकि वो जो फ्रॉडस्टर होते हैं वही अपने फायदा लेके वो ऐसा फ्रॉड कर लेते हैं। तो उनसे अपने सावधान रहना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक अकाउंट नंबर दिया। फिरियादी ने इससे घबरा कर दिए गए खाते में 20,000 रुपए जमा किए। महिला ने फिर से फोन कर टैक्स के नाम पर पैसा जमा करने लगवाया। इस तरह कई बार अलग अलग बहाना बनाकर फिरियादी से करीब 22,95,000 रुपए की राशि जमा करा ली, किंतु इसके बाद भी कोई पार्सल नहीं मिला तो फिरियादी को उसके साथ ठगी किए जाने का संदेह हुआ। इसके बाद इस घटना की शिकायत पुलिस में की गई। पुलिस ने दोनों आरोपी के खिलाफ भांजे की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, INBCN न्यूज़, नागपुर।